नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेशन मिरर में। जी हाँ, एक बार फिर से दिल्ली हुई शर्मसार। जी हाँ, दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक महिला के साथ चलती कार में रेप करने की कोशिश की गई। जी, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर दोस्ती करने मिलने बुलाया, फिर चलती कार में गैंग रेप करने की कोशिश की गई। इसी में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और आपको बताते हैं कि पूरी खबर है क्या। राजधानी दिल्ली में चलती कार में एक महिला के साथ, जी हाँ, एक महिला के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। और मामले में पीड़ित महिला की ओर से पुलिस में शिकायत, जी हाँ, जो महिला है उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। और साथ ही मैं आपको बता दें कि जो महिला है उसका साफ तौर पर यह आरोप है कि उसने एक सोशल मीडिया साइट पे कुछ लोगों से दोस्ती की। और वहीं आपको बताया था कि जहां एक महिला के साथ चलती कार में दुष्कर्म करने का मामले सामने आया है। और महिला का आरोप भी है कि उसके जो मित्र थे उन्होंने उसको मिलने बुलाया, उसके बाद उन्होंने चलती कार में उसके साथ रेप करने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली पुलिस को जैसे ही इस वारदात की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत छानबीन स्टार्ट कर दी और जितनी भी दिल्ली के आसपास के एरिया की CCTV फुटेज है उन्होंने खंगालना शुरू कर दिया। आपको बताएं कि बताया जा रहा है कि जो महिला है वह वैसे तो गाजियाबाद की रहने वाली है और कहीं ना कहीं जो उसके जो मित्र थे वो सोशल मीडिया साइट के द्वारा उससे उन्होंने मुलाकात की और कुछ समय बाद उन्होंने मिलने का प्रोग्राम बनाया। हालांकि जब उन्होंने मुलाकात की तो उसमें ये बयान सामने आया कि महिला का बयान था कि उन्होंने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीर रूप से लेते हुए जांच शुरू कर दी। हालांकि बताया यही भी जा रहा है कि ये जो घटना हुई थी यह घटना 16 अगस्त की बताई जा रही है। हालांकि यह घटना 16 अगस्त की थी परंतु यह घटना अब सामने आई है और दिल्ली पुलिस ने पूरी जानकारी इस जैसे ही पुलिस को पता लगा और उन्होंने आरोपियों को और महिला की जो सोशल मीडिया पर दोस्त और भी हैं उनके द्वारा कुछ बातचीत की और इस मामले में पूरे तरीके से छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं। और आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है परंतु जिस तरीके से घटना हुई है उसमें पूरी जानकारी पुलिस निकालेगी और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कोशिश करेगी। आप सभी को दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल नेशन मीडिया को सब्सक्राइब करें।